चलो जी, हम लोग आ गए हैं टियागो ईवी के अंदर और ये इसका लॉन्ग रेंज वाला टॉप मॉडल है। तो भाई साहब, अगर आपको ये गाड़ी परचेस करनी है, टाटा पठानकोट में आप इसको परचेस कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं और ये अवेलेबल भी है यहाँ पर। तो उनको कॉन्टेक्ट करने का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाइए आप परचेस कर सकते हैं। और सबसे पहले जो हमें चेंज देखने को मिला है यार, गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी आवाज नहीं, बस एक्सीलेटर दबाओ और चलते चलो। बस जो एसी चल रहा है इसको भी अगर हल्का सा हम डाउन कर देंगे, एक पॉइंट पर रखेंगे, तो बिल्कुल भी आवाज खत्म हो जाती है। इसको चालू करने के लिए सिर्फ आपको ये बटन दबाना है इग्निशन वाला, और जैसे ही आप दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और बस यहाँ पर लिखा आएगा कि इग्निशन ऑन है और इसको ड्राइव में करके आप ड्राइव कर सकते हैं। सिटी के लिए मेरे को लगा बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि बिना आवाज के आप गाड़ी के अंदर बैठे रहिए, बाहर गर्मी है। तो नॉर्मली पेट्रोल गाड़ी के अंदर होता है कि अगर आप गाड़ी को चला के रखेंगे और एसी ऑन रखेंगे तो आपका तेल खत्म होगा, यहाँ पर वो जो इशू है वो खत्म हो जाता है। आप गाड़ी के अंदर बैठे रहिए और स्लोली स्लोली आप गाड़ी को एसी चला सकते हैं, या गाड़ी ट्रैफिक के अंदर खड़ी है वहां पर आप चला सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो रीजनरेशन के यहाँ पर तीन मोड है, ये दोनों बटन को यूज करके आप रीजनरेशन को अप डाउन कर सकते हैं। मैं रीजनरेशन को लेवल 3 पे करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूँ तो क्या होता है। जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ा, देखिए ब्रेक लगना स्टार्ट हो गया, 37 पहुँच गया है। अगर मैं डायरेक्टली फिर से एक्सीलेटर दूंगा तो ब्रेक लगना बंद हो जाएगा और गाड़ी फिर से पिकअप लेगी। लेकिन अगर इसका हम रीजनरेशन लेवल 1 करते हैं और फिर ब्रेक छोड़ते हैं तो बहुत ही स्लोली स्लोली गाड़ी रुकना स्टार्ट होती है। ओहो महाराज, तो इसका रीजनरेशन मेरे को बढ़िया लगा। अगर आपको सिंगल पेडल ड्राइविंग करनी है या फिर आप हिल्स के ऊपर जा रहे हैं, हिल्स से नीचे आ रहे हैं, तो आपको बहुत बढ़िया इसमें रेस्पॉन्स मिलने वाला है। लेवल 2 के ऊपर आप करेंगे, मैं फिर से छोड़ता हूँ लेवल 2 के ऊपर ब्रेकिंग, तो देखिए अपने आप ब्रेकिंग लग जाती है गाड़ी के अंदर। तो ये सिंगल पेडल ड्राइविंग होती है जो हुंडई आयोनिक उसके अंदर ये फीचर आता है, तो यहाँ पर आपको ये फीचर भी देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, अपने जो एसी कंट्रोल्स हो गए, वो सारे जो टियागो के अंदर फंक्शन होते हैं सेम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वो दिक्कत नहीं होने वाली कि आपको कुछ और चीज़ देखने को मिल रही है, एकदम वैसा ही सिस्टम है, नॉर्मल जो कार फीलिंग होती है वैसे ही यहाँ पर। अब एक चीज़ मेरे को देखने को लगी है कि जो इसका बैटरी पैक है वो इसके बूट के अंदर फिक्स किया गया है, यानी कि जो स्पेयर टायर वाली जगह है उसको हटा के वहाँ पर बैटरी फिक्स की गई है। तो गाड़ी थोड़ी सी प्लांटेड लगती है, कई बार हमें ऐसा लगता है ना गाड़ी आगे से हैवी है पीछे से हल्की है, तो वहाँ पर ये जो इश्यू है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाता है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो गाड़ी काफी नीचे हो गई है। अब इसके अंदर एक स्पोर्ट्स मोड भी आता है, उसको भी ट्राई करेंगे सबसे पहले। अभी हम ड्राइव मोड पे चल रहे हैं और ड्राइव के बाद अगर हम स्पोर्ट्स मोड में करेंगे, एस पे आ गया है ये। एस पे आते ही रेंज थोड़ी सी कम हो गई है, 97 आ गई है, और हल्का सा खींचेंगे तो आरपीएम आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से गाड़ी भाग सकती है। हालांकि जो इसमें रेंज दिखा रहा है 97 किलोमीटर दिखा रहा है और जो बैटरी का चार्ज है वो 50% तक ही दिखा रहा है, तो उसके अंदर भी अगर देखें 97 की रेंज हम चल रहे हैं और गाड़ी देखिए 78-79 तक आराम से भाग जाती है बिना किसी दिक्कत के। आप पकड़नी पड़ गई। चलो कोई नहीं, स्पोर्ट्स मोड में ज्यादा ही पावर आ जाती है, लेकिन उसमें वही है कि आपको थोड़ा सा रेंज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सिटी के अंदर आपका ड्राइव है तो आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ड्राइव है रन है वो लिमिटेड ही रहने वाला है। तो लेकिन यार स्पोर्ट्स मोड में ही चलाने का मजा मेरे को लगा। जैसे हमने इसे ड्राइव मोड में किया तो पेडल मैंने उतना ही प्रेस किया हुआ था, लेकिन गाड़ी ने हल्का सा रिलैक्स करके पीछे कर दिया, मतलब थोड़ी सी स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर दिया। यहाँ पर वही बात है जो नेक्सॉन के अंदर स्पोर्ट्स मोड आता है ना, जैसे आप दबाएंगे तो डीजल इंजन के अंदर एकदम से पावर आ जाती है, पेट्रोल इंजन के अंदर एकदम से पावर आ जाती है, वही वाला सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो इंडिकेशन मेरे को दिखा रहा है 97, मैंने आपको पहले बताया था, अभी ये मेरे को रेंज दिखा रहा है 102 किलोमीटर की, क्योंकि मैंने नॉर्मल ड्राइव मोड पे कर दिया है। और इसी को अगर मैं दिखाऊं आपको, रीजनरेशन बढ़ा दिया है तो 105 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है। ये उम्मीद कर रहा है कि भाई मैं ब्रेक इतना दबाऊंगा तो मेरी जो बैटरी है वो थोड़ी और चार्ज हो जाएगी और 1-2 किलोमीटर मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसमें आरपीएम नहीं है, इसमें टॉर्क है, मतलब जैसे मैं ड्राइव करूंगा तो यहाँ पर ड्राइव का मीटर ऊपर बढ़ जाएगा और जैसे मैं ब्रेक एक्सीलरेटर छोड़ूंगा तो जो रीजनरेशन का मेथड है वो यहाँ पर डाउन दिखाने लगेगा। थोड़ा सा रिवर्स लेते हैं सिंगल हैंड ड्राइविंग के साथ, न्यूट्रल रेडी स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ पर देखिए हमने भगाया गाड़ी को, 69-70-80 टच कर गई गाड़ी, भागने में तो जबरदस्त है कुछ भी कहो। स्टेबिलिटी का इश्यू होता है ना गाड़ियों के अंदर, गाड़ी बाउंस मारती है, वो यहाँ बाउंसिंगनेस नहीं आती है यहाँ पर, बिकॉज गाड़ी का जो बैटरी पैक नीचे होने की वजह से गाड़ी ने एकदम प्लांट रखा इसको, गाड़ी को जंप नहीं मारने दिया। और रीजनरेशन के अंदर इसमें एक फायदा है, जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ोगे ना गाड़ी फिर से रीजनरेट करने लग जाएगी यहाँ पर, तो आपके हल्की हल्की बैटरी चार्ज भी होती रहेगी और आप भगा भी पाओगे स्पोर्ट्स मोड के अंदर। ये बहुत बढ़िया फायदा है, बस वही है कि आपको हल्का हल्का सा ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस गाड़ी के साथ कि आपको कितना इसमें एक्सीलेटर देना है, कितना इसको स्लो छोड़ना है। हमारे पीछे स्विफ्ट चल रही है, कॉम्पिटिशन लगा रही है हमारे साथ,
गाड़ी में एकदम से पुश बैक मिलता है, जैसे आप एक्सलेटर दोगे ना और 80 आराम से पहुंच जाती है, जैसे एक्सलेटर दबाया 80 पहुंच गई। तो अभी मेरी रेंज तो मेरे को दिखा रहा है 99 किलोमीटर की दिखा रहा है, जबकि जो बैटरी का पैक है वो 49% पे है। हमने थोड़ी देर पहले जो चलाई थी वो 50% पे 97 किलोमीटर दिखा रहा था, तो हमारी जो रीजनरेशन है वो थोड़ा थोड़ा किलोमीटर बढ़ा रही है अपने आप ही, जबकि हम स्पोर्ट्स मोड में चल रहे हैं फिर भी। तो आप, मेरे को लगता है कि इसमें आराम से जो लॉन्गर रेंजर बैटरी पैक है इसमें आप आराम से 300 किलोमीटर तक रेंज निकाल ही पाओगे, अगर आप थोड़ा ध्यान से चलाओ, रीजनरेशन थोड़ा हायर लेवल पे रखो तो मेरे को लगता है कि आराम से कर ही लोगे। और ये जो ब्रेकिंग लग रही है ना, ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक में मदद ही करने वाली है। अभी जो गाड़ी के अंदर नॉइज आ रही है मेनली आ रही है टायर्स की, इंजन की तो कोई आवाज़ है नहीं, बैटरी की जूं जो आवाज़ आती है मोटर वाली वो यहाँ पर आ रही है, बाकी तो कोई आवाज़ है ही नहीं गाड़ी के अंदर। और एसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया अभी तक, एसी एकदम चिल्ड कर दिया है इसको अंदर अंदर से। 20 डिग्री पे चल रहे हैं, फिर से करेंगे। लेकिन ईवी का मजा ईवी में ही है भाई, कुछ भी कहो। पेट्रोल वाले में है कि स्टार्टिंग में जब गाड़ी स्टार्ट होती है घर करके साउंड आती है, हल्का हल्का वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर वो बिल्कुल भी खत्म हो गया। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि भाई कुछ है गाड़ी के अंदर, आपको ऐसे फील होगा कि बस आपने एक्सलेटर लगाना है, कोई इसमें वाइब्रेशन वाले पार्ट्स नहीं है। बस वही आपको हल्का हल्का मैनेज करके चलना पड़ेगा कि कितना किलोमीटर में को चलाना है, कितना इसके अंदर चार्ज रखना है। और विजिबिलिटी में आपने देखा जाए टियागो जैसी ही इसके अंदर विजिबिलिटी, जो ए पिलर है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि आपको कुछ दिखाई ना दे, बहुत ही डिसेंट साइज का है। और हाँ, ये 4-स्टार रेटेड है। इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर भी है कि अगर बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो एयरबैग तो खुलना ही है, ठीक है, बाकी जो सेंसर होते हैं वो भी आपको शो करेंगे एक्सीडेंट हो गया। ऐसी कंडीशन के अंदर गाड़ी के जो बैटरी पैक है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और IP67 रेटिंग है इसके साथ, क्रैश टेस्टेड है ये गाड़ी, बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी इंजन के साथ और उसका एक्सेस पूरा बंद हो जाएगा, यानी कि जो आग लगने के चांसेस होते हैं ना वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लिक्विड कूल्ड बैटरी है तो गर्म होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मतलब जब यहाँ पर राजस्थान में आप एक्सट्रीम 50 डिग्री पे जाओगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा गर्मी इसमें दिखाई दे सकती है। अभी देखो 96 किलोमीटर अभी हम लोग चल चुके हैं, काफी मतलब 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी भी 96 किलोमीटर चला रहा है, लेकिन अभी तक हम स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चला रहे हैं विद फुल रीजनरेशन। जैसे ही मैं इसमें एक्सीलेटर छोड़ता हूं वैसे ही ये रीजनरेशन स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी जो रेंज है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। अब ये है कि अगर किसी ने गाड़ी परचेस की है तो उनका एक्सपीरियंस जानना बहुत जरूरी है कि वो गाड़ी मतलब कैसा परफॉर्म कर रही है सिटीज के अंदर। यहाँ पर अभी तक मैंने ब्रेक सिर्फ वहां प्रेस किया था जहां पर ट्रक सामने आया था, उसके अलावा मैंने ब्रेक प्रेस ही नहीं किया है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है तो रिचार्ज होती रहती बैटरी और एक ब्रेक भी लग जाता है, स्पीड भी कम हो जाती है। यहाँ पर इट्स लाइक ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन ये ऑटोमेटिक गाड़ी अपने क्या कहते हैं रेंज भी बढ़ा रही है और अपने आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। न्यूट्रल।